जो टिकटों का वितरण किया गया है, जहाँ इसके तहत डीडवाना से वर्तमान विधायक चेतन दूधी को टिकट दिया गया, इसके बाद दो पूर्व विधायकों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है, क्या कहेंगे? क्या ये बगावत है या क्या इनका फैसला कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार परसों डीडवाना विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में चेतन सिंह चौधरी को उम्मीदवार बनाया, और उससे पूर्व हमने कांग्रेस पार्टी के हमारे नागौर जिले के एआईसीसी से लगा हुए लोकसभा प्रभारी अमित सियाग जी को एक बहुत विस्तृत में हमारी पार्टी फोरम के अंदर हमने एक ज्ञापन के रूप में, जो आज पीढ़ियों से कांग्रेसी है और पिछले 5-10 दशक से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जो लोग बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने मिलकर, जिसमें हमारे पूर्व प्रधान जलाराम जी भाकर, भगवानाराम जी बुलडक, वो भी उसमें शामिल थे, उन लोगों ने मिलकर जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने का कड़ी चल रही थी, उसको हमने अवगत कराया था। और आज चलो प्रत्याशी पार्टी टिकट एक व्यक्ति को देती है, उसके बाद ये हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत दिग्गज, पूरे विधानसभा क्षेत्र का इन्होंने नेतृत्व किया है, एक प्रधान के रूप में लोगों की सेवा की है, कांग्रेस पार्टी को इनके पीढ़ियों से ये कांग्रेसी है, इन लोगों का कांग्रेस पार्टी से जाना पार्टी के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं पार्टी फोरम से आज पार्टी का एक कार्यकर्ता, पार्टी का एक पदाधिकारी होने के नाते, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व से आग्रह करूँगा कि इस प्रकार की इस श्रृंखला को रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, प्रत्याशी एक व्यक्ति ही बन सकता है, ये हम सब लोग भी जानते हैं और हमारे जो साथी गए शायद वो भी जानते होंगे, लेकिन उनके साथ जिस प्रकार पार्टी के, जिसको हम पार्टी का प्रतिनिधित्व देते हैं, वो लोग कांग्रेस पार्टी के विचारधारा को पिछले 5 साल में किस प्रकार कार्यकर्ताओं की सुनवाई हुई, पदाधिकारियों की सुनवाई हुई, हमने जो लिस्ट हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रभारी जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जी को मेल के द्वारा रंधावा जी को, काजी निजामुद्दीन जी को दी, उसके ऊपर गहनता से शायद विचार नहीं हो पाया। हमें इस बात का दुख है, हम सच्चे कांग्रेसी हैं, हम राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के सिपाही हैं, कि हमारी पार्टी का कोई भी जो पीढ़ियों से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा लगता हो, वो व्यक्ति अगर कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जाता है, तो ये वास्तव में बहुत बड़ा चुनाव के समय इस प्रकार का कदम हम सब के लिए निराशाजनक है। हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी इस श्रृंखला को रोकें। नागौर जिले में जिस प्रकार एक बड़े लेवल पे पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा ने कांग्रेस ज्वाइन की, बीजेपी ज्वाइन की कांग्रेस छोड़कर, उसके बाद इन दो प्रधान का जाना, मुंडवा प्रधान और खींवसर प्रधान, मुंडवा तो आरएलपी से थे और खींवसर से कांग्रेस समर्थित प्रधान प्रतिनिधि और प्रधान सीमा बिडियासर ने भी बीजेपी ज्वाइन की है। इस श्रृंखला को रोकने की जरूरत है। मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी रंधावा जी, सीएम साहब डोटासरा जी, काजी निजामुद्दीन जी, सभी से आपके माध्यम से भी पुनः एक बार आग्रह करना चाहूँगा कि आप नागौर जिला, जिसने पीढ़ियों से कांग्रेस को मजबूती प्रदान की है, आपातकाल के बाद पूरे उत्तरी भारत में जब कांग्रेस पार्टी हार गई थी, वहाँ भी उस समय भी नागौर जिले की जनता ने कांग्रेस पार्टी का साथ दिया था, इस बात को आप ध्यान में रखकर आगे इस श्रृंखला को रोकने का प्रयास करें। हम कांग्रेसी हैं, पार्टी एक व्यक्ति ही प्रत्याशी बन सकता है, ये हम सब भी जानते हैं, लेकिन पार्टी को मान सम्मान, जिन्होंने पार्टी की निस्वार्थ सेवा की है, उन लोगों का ध्यान पार्टी को विशेष रूप से रखना चाहिए।